नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया में। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में आज मैं आपको रिव्यू मेनू के अंतर्गत आने वाले प्रूफिंग ऑप्शन के बारे में जानकारी दूंगा। तो बिना देर किए चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, आ जाते हैं कंप्यूटर की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पर। तो यहाँ दोस्तों रिव्यू के अंदर आज जो ऑप्शन मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ दोस्तों, वो है प्रूफिंग ऑप्शन। तो इस ऑप्शन के अंतर्गत जो भी ऑप्शन है वो सभी मैं आपको सिखाऊंगा, तो इसको ध्यान से आपने सीखना है। तो सबसे पहले है दोस्तों स्पेलिंग और ग्रामर। स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों कि आपकी अगर कोई, जिस तरह आपने यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे तीन पैराग्राफ मैंने टाइप की है, अगर इसके अंदर कोई स्पेलिंग मैं यहाँ से करेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं ई को डिलीट कर देता हूँ, डिजाइन के अंदर से जी को डिलीट कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ नीचे की तरफ में एक लाइन आ चुकी है रेड कलर की। मैं पेज का जो बैकग्राउंड है इसको व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। तो अभी आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे रेड कलर की लाइन आ चुकी है। और ग्रामर मिस्टेक क्या होती है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे स्पेस डिजायर्ड था तो हमने यहाँ पे स्पेस था वो नहीं दे रखा था इस तरह से। तो अब दोस्तों जैसे ही आप रिव्यू ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ पे यूज करते हो स्पेलिंग और ग्रामर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि जो कंप्यूटर की डिक्शनरी के अंदर शब्द फीड नहीं है उनको इस तरह से रेड करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको हाईलाइट होकर मिलेंगे जो शब्द कंप्यूटर बोलेगा कि यह है मेरी डिक्शनरी के अंदर नहीं है और ये गलत शब्द है, उनके आपको सुजेशन या नीचे मिल जाएंगे जो कंप्यूटर डिक्शनरी के अंदर फीड है। तो अगर हमारे को चाहिए कि हमारा यह सुजेशन परफेक्ट है तो हम इसको चेंज कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट जो ऑप्शन डिजाइन डिजाइंड है उसको डिजाइंड के लिए हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर हमारे को लगता है कि सारे ऑप्शन हमारे कंप्यूटर ने सही बताए हैं तो आप चेंज ऑल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके जाते हैं। ये कोऑर्डिनेट विद का ऑप्शन था, यहाँ पे स्पेस रिक्वायर्ड था, इसको भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर है जो उसको चेक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आप देखोगे कि आपके शब्द सही हैं लेकिन वो कंप्यूटर आपको गलत शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एक नाम, अब ये नाम दोस्तों सही है लेकिन इसको कंप्यूटर गलत शो कर रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जाओगे तो ये जो ऑप्शन है इसको आप डिक्शनरी में कंप्यूटर की ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि इसको इग्नोर करना तो इसको आप इग्नोर भी छोड़ सकते हो। इसके अलावा जैसे ये है तो आप ऐड भी कर सकते हो, अगर ऐड करना चाहते हो दोस्तों तो इसको ऐड टू डिक्शनरी कर लीजिए। तो जो दोस्तों रिसर्च का ऑप्शन है, रिसर्च के अंदर आप यहाँ से कोई भी शब्द अगर सर्च करते हैं तो यहाँ से आप ओके कर दीजिए तो जो भी रिसर्च का डाटा है वो आपको यहाँ पे मैच आ जाएगा। रिसर्च के अंदर ही दोस्तों ट्रेजर का ऑप्शन है डिक्शनरी का, जहाँ पे आप यहाँ से जुड़े शब्दों के बारे में डिटेल चेक कर सकते हो। ट्रांसलेट दोस्तों, ट्रांसलेट का मतलब होता है कि आपने एक शब्द को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, जैसे ही आप कोई भी शब्द सेलेक्ट करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई शब्द ले लेता हूँ वर्टिकल, और इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं किसी भी दूसरी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कंप्यूटर का इंटरनेट ऑन होना बहुत जरूरी है, बगैर आपके कंप्यूटर इंटरनेट ऑन के आप यहाँ पे ये देख नहीं पाओगे। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहाँ पे शब्द चेंज कर देता हूँ, कोई भी नाम लिख देता हूँ और इसको चेंज करता हूँ दोस्तों, तो उसी तरह से आप देखोगे जिस भी लैंग्वेज में मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ से अरबिक लैंग्वेज सेलेक्ट करके ओके करते हो, तो इस तरह से दोस्तों ये वर्ड आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको अगर आप चाहो दोस्तों तो यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हो, इस तरह से यह आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है दोस्तों, काफी सारी जगह पर सिखाया भी नहीं जाता। उसके अलावा दोस्तों ये ट्रांसक्रिप्ट भी उसी तरह से काम करती है जैसे आपको अभी यहाँ पे दिखाया गया था मैंने। और सेट लैंग्वेज का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, ये लैंग्वेज पैकेज है जिसमें अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को काम करने के लिए
यूज करना चाहते हो, तो ये सभी जो पैक है ये आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होने जरूरी है। और सबसे लास्ट ऑप्शन है दोस्तों वर्ड काउंट का। यहाँ पे जाके आप अपने पेज के अंदर देख सकते हो कि आपने अभी तक कितने पेज यूज किए हैं, टोटल कितने वर्ड्स आपने टाइप किए हैं, करेक्टर कितने हैं जिनको आपने बिना स्पेस के टाइप किया है, और अगर स्पेस के साथ करेक्टर काउंट करते हैं तो कितने हैं, टोटल कितना पैराग्राफ आपने यूज किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 6 पैराग्राफ हैं। इसको अगर आप देखना चाहो कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से नंबरिंग भी लगाकर देख सकते हो। तो यहाँ देखोगे दोस्तों आप पूरे 6 पैराग्राफ आपने यूज किए हैं। और सबसे लास्ट में है जो दोस्तों वो है लाइन्स, तो टोटल कितनी लाइन्स आपने यूज की है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये दोस्तों थी जानकारी आपकी प्रूफिंग के बारे में रिव्यू ऑप्शन के। उम्मीद है दोस्तों आपको यह अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, या आपकी कोई राय है या आपका कोई डाउट है वो मेंशन कर दीजिए। और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले।